सरकार ने दो नए सेना अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। जनरल बिपिन रावत को अगला थल सेना अध्यक्ष और एयर मार्शल बीएस धनोवा को वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं इस नियुक्ति को लेकर एक नया विवाद भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि नियुक्ति में वरिष्ठता का ख्याल क्यों नहीं रखा गया। कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने दावा किया है कि लेफ्टिनेंट जनरल रावत तीसरे नहीं बल्कि चौथे वरिष्ठ हैं। वहीं सीपीआई पोलित ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद सलीम ने कहा कि आमतौर पर हम सशस्त्र बलों से संबंधित मुद्दों पर टिप्पणी कभी नहीं करते, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार भारत के प्रमुख संस्थानों के नियमों को बदलने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरुण राहा दोनों ही 21 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके चलते सरकार ने नए सेना अध्यक्षों की नियुक्ति की है। 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में जनवरी 1979 में कमीशन लेने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रावत का करियर उपलब्धियों भरा रहा है। जनरल बिपिन रावत अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल जैसे कई सम्मान से अलंकृत किए गए हैं। बिपिन रावत कश्मीर हालात के एक्सपर्ट माने जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि नए सेना प्रमुख के पिता भी सेना में डिप्टी चीफ रह चुके हैं। वहीं झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी राजीव जैन को गुप्तचर ब्यूरो आईबी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, जबकि अनिल धस्माना बाह्य गुप्तचर एजेंसी रॉ का नेतृत्व करेंगे। नियुक्ति के साथ ही सेना अध्यक्ष पर विवाद शुरू हो गया है। 33 साल बाद सेना प्रमुख की नियुक्ति में वरिष्ठता को नजरअंदाज किया गया है। विपक्ष ने नियुक्ति पर सरकार से इस मामले पर सवाल पूछे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या सफाई देती है। देखते रहिए डीबी लाइव।